तो वेलकम टू ओके तो ऑफ एस टी एस का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बैच वालों को आईसी uh, का वेबसाइट ओपन हो चुका है ठीक है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ओके फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड के आपको थ्री बैच में मिला जाएगा ठीक है और तीन साल तक करना है ठीक है तो आपने पिछले वाले पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ठीक है और थर्टी से ज़्यादा कमेंट्स हो चुके हैं उस वीडियो पर और नियरली वन के व्यूज होने वाला है ठीक है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी लाइक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च करने में आगे आना चाहते हैं ठीक है तो ऐसे हमारे स्टेट्स का भी मेन मोटो वही है कि स्टूडेंट्स को रिसर्च uh, के लिए प्रमोट करना ठीक है इसके लिए वो स्टूडेंटशिप भी देने को तैयार है ठीक है ओके तो बहुत सारे बहुत पिछले वाले वीडियो के कमेंट में मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा दो और आईईसी क्या है और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं तो आप बेटर उन्हीं कमेंट्स को जाके पढ़ लेना ठीक है तो मैंने उनको वहां पे सभी कमेंट्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया है ठीक है तो इस वाले वीडियो में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में तकलीफ हो रही है और मुझे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बता दो ठीक है तो इस वाले वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वही वही वाले में चीज बता दूंगा ठीक है तो पहला पहला मैं सर्कुलर दिखाना चाहता हूं कि आईसीएमआर की तरफ से किस तरह का सर्कुलर आया है और कौन कौन से लिंक में लिंक में आपको अंदर जाके रजिस्टर करना है ठीक है लेट्स स्टार्ट और रजिस्ट्रेशन दिखाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं रजिस्टर करने से पहले आप पहले अपना गाइड ठीक है अगर आपने रजिस्टर किया अपने का टॉपिक भी भी चूज कर लिया ठीक है और आपने लिख दिया अगर आपके पास गाइड नहीं है तो देट इज फुल्ली वेस्ट ओके एवरीथिंग इज वेस्ट विदाउट ए गाइड ओके तो पहली बात आपने जो भी प्रपोजल का टॉपिक चूज किया है उस, उसी टॉपिक में जिस डिपार्टमेंट में कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में मेंसोसिएट प्रोफेसर नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर या एचओडी पी जी लो नहीं कर सकते ठीक है एसोसिएट असिस्टेंट या एच ओडी इन तीनों में से कोई भी आपका गाइड बन सकता है ठीक है तो उनको गाइड की गाइड की तरह चूज करो और उनसे पूरी तरह से सलाह लो सलाह लो कि लाइक रिसर्च कैसे किया जा सकता है ठीक है क्योंकि आप तो बच्चे हो आपको तो कुछ नहीं पता तो गाइड गाइड इज मस्ट से पूछ के टॉपिक डिसाइड करो फिर उनके मदद से प्रपोजल प्रपोजल का फॉर्मेट मैं प्रोपोजल का फॉर्मेट बता दूंगा उस तरह से आप प्रपोजल लिखो और एवरी थिंग ऑफ प्रपोजल शुड बी नोन टू योर गाइड ओके और गाइड ही बोलेगा कि लाइक प्रपोजल में क्या लिखना है ठीक है तो अभी चलते हैं प्रपोजल की तरफ तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये वाला सर्कुलर जो है ऑफिशियल वेबसाइट में है ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई सी शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप स्टूडेंटश okay? का लास्ट डेट है थर्टी जून 2024 ओके Uh, मुझे लगता है ये लोग इसको अभी आगे बढ़ा देंगे ठीक है तो अपलीकेशनिक अपलीकेशन में भी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द वेब पोर्टल ये वाला वेब पोर्टल ठीक है तो आप ये जो वेब पोर्टल देख रहे हो उसमें जाके आपको रजिस्टर करना है ठीक है बाकी काम वहाँ पे हो जाएगा तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर तो आप देख सकते हो तो मैंने गूगल पे आकर मारा है आई सी एम आर एस एस रजिस्ट्रेशन ओके okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कुछ ऐसा वाला डी एच आर ई पी एम एस बोल के निकल के आएगा ठीक है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना वो, वो और वो ओपन हो जाएगा ठीक है ओपन ओपन होने के बाद आपको रजिस्टर करना है ठीक है तो ऐसा कुछ आएगा डी एच आर ई पी एम एस लॉग इन ठीक है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है ये वाला बार निकल के आ जाएगा तो ये ये जब है जब आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है ठीक है लॉग इन करना है तो फिर आपको ये आ, यहाँ पे ये सारा ये सारा रजिस्टर ये सारा तो आप नहीं डाल सकते ठीक है तो यहाँ पे नीचे आप ये रजिस्टर बोल के दिख रहा है तो वो वाला आइकॉन प्रेस कर देना तो ऐसा वाला टैब ओपन हो जाएगा ठीक है तो फिर बाद में आप लोग Uh, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार देना कि लाइक कुछ ई मेल मेल ये सारी चीज़ें मार दो और फिर लेके आई एग्री और रजिस्टर बोल के दबा देना ठीक है तो फिर बाद में ऐसा uh, आगे काम थोड़ी देर में देखेंगे ठीक है मैं तो मैं सारी ये डिटेल्स तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा तो मैं रजिस्टर ये ये सब डाल के ये वाला रजिस्टर रजिस्टर बटन दबाने के बाद क्या आएगा वो बता दूंगा ठीक है ये सारा फिल कर देना ओके तो आप यहाँ पे दे सकते हो मैंने ऑलरेडी मेरा ईमेल और मेरा फ़ोन नंबर और मैंने पासवर्ड सेट किया है ठीक है पासवर्ड थोड़ा मुश्किल वाला सेट करना फिर जा तब जाके ये वाली चीज़ ये होगा ठीक है तो पासवर्ड सेट करने के बाद ये कैप्चा मार देना और नीचे जाके रजिस्टर बोल के दबा देना ठीक है तो कुछ आगे कुछ जो वेबसाइट होगा वो मैं वो वो डिस्प्ले करूँगा ठीक है ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने अंदर अंदर दबा दिया तो तो अंदर आने के बाद ये मेरा ईमेल आईडी दिखेगा और क्लिक टू वेरीफाई द ईमेल मिल जाएगा ठीक है तो रजिस्टर करने के बाद ये वाला आइकन आ जाएगा तो आप ये क्लिक कर देना ठीक है तो क्लिक टू वेरीफाई ईमेल करने के बाद हाँ ओके ई मेल वेरीफाई हो चुका है तो फिर उसके बाद हमको एक वेरीफिकेशन लिंक सेंड कर दिया रहता है ठीक है तो वेरीफिकेशन लिंक मेरे ई मेल आई डी पर मिलेगा तो हम चलते हैं मेरे ई मेल ऐप पर तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को ईमेल आ चुका है ठीक है तो मैं ईमेल के अंदर जाके देखता हूँ क्या है ठीक तो है तो ये है ऐसा कुछ चीज़ है मेरा ठीक है तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है वो सीधा जाके वहाँ पे ओपन हो जाएगा ठीक है थोड़ी देर के लिए वेट करना ओके मेरा ई मेल वेरीफाई हो चुका है ठीक है फिर आता है वेलकम हाँ ओके इससे क्या हो जाएगा मेरा आई सी एम एर एस टी एस में मेरा एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो फिर ओके okay, जब आप बाहर आके डी एच आर में फिर से लॉगिन करने की कोशिश करोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा वो आपको आपके ईमेल में फिर से एक और ओ आ जाएगा ठीक है तो ओ आया है तो मैं वो ओ टी पी यहाँ पर एंटर करूँगा ठीक है तो आप देख सकते हो वो ओ है सिक्स डबल वन सिक्स डबल वन डबल ज़ीरो नाइन ओके सिक्स डबल वन डबल ज़ीरो नाइन चलो मैंने इसको सबमिट किया ओके okay. ये वाला ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा ठीक है क्योंकि मेरा ईमेल वेरीफाइड है तो आप देख सकते हो उसके बाद क्या होता है आपको ये कॉर्नर में जो थ्री बटंस होता है ना तो आप उसको क्लिक करना है ठीक है तो ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है तो ऐसा करने पे आपका एप्लीकेशन प्रोफाइल का पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा ठीक है पर्सनल डिटेल्स एजुकेशन डिटेल्स रिसर्च एक्सपीरियंस जो भी ओपन हो, हो जाएगा ठीक है फिर बाद में आ जाएगा प्रपोजल सबमिशन प्रपोजल सबमिट प्रोपोजल सबिशन में इतना कुछ आएगा ठीक है तो व्यू प्रपोजल क्वेरी एक्सेट्रा 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 ये सारी चीज़ें तो आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि लाइक like, किस तरह से काम चलता है ठीक है तो आप तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोफाइल पे क्लिक किया फिर मैंने क्या किया इधर पर्सनल डिटेल्स बोल के आता है ठीक है तो आप देख सकते हो इधर पर्सनल डिटेल्स ठीक है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो ऐसे उसके ऊपर क्लिक क्लिक करने से आपका ये वाला आइकन हो जाएगा ठीक है पर्सनल डिटेल्स का तो यहाँ यहाँ से आपको हर चीज़ फिल करते हुए चले जाना है ठीक है तो स्टार्टिंग में आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल इफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है आपका नेम टाइटल नेम मिडिल नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी लाइक डिसेबल्ड हो कि नहीं नेशनलिटी कौन से है नेम ऑफ द बोर्ड रोल नंबर एक्सेट्रा एसेट्रा फिर आते हैं तीन तीन मेन चीज़ें ठीक है थीके? तो पहले वाले आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ अ प्रपोजल सबमिशन ओके जो भी आपने प्रपोजल लिखा है ना उसको प्रपोजल में डालना है ठीक है अपलोड फोटो मैंडेटरी फॉर प्रपोजल कौन सा फोटो आपका फोटो और आपका सिग्नेचर ऐसा वाला यही चीज़ डालना रहता है ठीक है ओके फिर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरा यहाँ पर नंबर और ये है तो इसलिए मैं उसको थोड़ा ये करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो वो एंटर कर देना फिर आपका लैंडलाइन नंबर फैक्स नंबर जो भी है वो रिक्वायर्ड लाइक सारी चीज़ें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना भी चाहिए वो सब डाल देना ठीक है ओके उसके बाद आता है पर्सनल एड्रेस पर्सनल एड्रेस में आपको कंट्री आपका एड्रेस लैंडलाइन सिटी सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट एरिया जिप पिन कोड रहता है ना वो भी एंटर कर देना ठीक है फिर आता है योर योर प्रेजेंट वर्क वर्किंग इंस्टीट्यूट ओके तो आपका जो भी कॉलेज का नाम जो भी है तो वो आपको यह, यहाँ पर ये यह करना है ठीक है तो उसके बाद आता है योर डिपार्टमेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट योर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट डेसिग्नेशन ओके तो यहाँ पे ये ये सारी चीज़ें फिल करते टाइम आपको कुछ समझ नहीं आया कि लाइक कौन सा डिपार्टमेंट ये जो है ना कुछ आ, इसको आ, कौन बोलते हैं आपके गाइड को फिल करने का रहता है ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा प्लीज आग 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 तो प्लीज़ रीच आउट योर गाइड एंड आस्क व्हाट टू फिल ओके सारी चीज़ें आपको तो पता नहीं होंगी ना तो इसलिए आपके गाइड को पूछ लेना ठीक है ऑप्शनल है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पी एच डी पी जी यू जी बोल के आता है तो आप यू जी में हो तो यू जी का फिल कर देना कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी दिस आपका जो भी यूनिवर्सिटी का रहता है डिग्री और क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आप क्लिक करने पे आ जाएगा ठीक है स्टेट तो यूनिवर्सिटी मेरा आर जी एच एस यूनिटी है वो आर जी एच एस यूनिवर्सिटी आ जाता है तो आप एम बी रहे हो तो बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी वो एम बी बी एस कर देना इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी है लाइक ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज मेरा मेरा कॉलेज का नाम है वो डाल देना ठीक है फिर पासिंग ईयर आप आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ही आई सी एम आर डाल सकते हो तो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में एंटर हुए हो वो डाल सकते हो नहीं तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर खत्म करके सेकंड ईयर में आए हो वो वाला ईयर डाल सकते हो ठीक है तो आप जो भी है वो गाइड से पूछ के एंटर कर देना ठीक है तो ला, लास्ट में जब आप ये वाला पर्सनल पर्सनल डिटेल में आप सब सब ये चीज़ें फिल करके फिल करके आ जाते हो ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन uh, तो अंत में आप लोग यहाँ पे ये uh, यहाँ पे सेव डिटेल सेव डिटेल्स करके ना फाइनल सबमिशन ऑफ़ द प्रपोजल कर देना ठीक है जो भी आप कर रहे हो थोड़ा ध्यान से कर देना ठीक uh, है और री सबमिशन ऑफ द प्रपोजल है कि नहीं पता नहीं एक बार चांस कुछ है ठीक है तो कोई बात नहीं आप करश, कोशिश करिए लॉग इन हो जाएगा ठीक है कभी कभार एरर फोर, फोर आ जाता है तो कोई बात कोई चिंता नहीं आप उनके ई uh, मेल आपको email, उनको ई मेल कर देना वो लोग मैनेज कर लेंगे ठीक है तो दैट्स इट दिस वॉज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सो दैट्स इट गैस दैट वॉज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओके तो कुछ नहीं है अंदर लॉग uh, इन करना है ई मेल आई डी ओ टी पी आएगा ई मेल पर आपको फिर से अंदर जाना है लॉग इन करना है फिर आता है आपके पर्सनल डिटेल्स पे पर्सनल डिटेल्स फुल कर रहे हैं कॉलेज के डिटेल्स फुल रहे हैं आपके गाइड का डिटेल्स फुल रहे हैं आपका प्रपोजल का फॉर्मेट uh, प्रपोजल का टॉपिक और आपका फोटो सिग्नेचर वो भी वो भी फिल करना है फिर लास्ट में सेव डिटेल्स कर देना है ठीक है फिर आता है फाइनल सबमिशन ऑफ द लाइक सबमिशन ऑफ़ द प्रपोजल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल होने के बाद क्या होता है ठीक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने प्रपोजल सबमिट किया फिर बाद में उन, उनके उनकी तरफ चला जाता है ठीक है तो आईसीएमआर स्टेस आपका प्रपोजल अच्छी तरह से देखता है एनालाइज करता है बहुत सारे लोग एम और डेंटल वाले बच्चे प्रपोजल फिल करते हैं ठीक है हर साल और उनमें से बहुत कुछ गिने चुने प्रपोजल ही सेलेक्ट होता है ठीक है तो मेरा भी सेलेक्ट हुआ था तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं मुझे पता है कि लाइक क्या करना है ठीक है तो वो लोग सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें चला जाओगे जब वो सेलेक्ट कर जाएंगे ना तो आप नेक्स्ट वाले जाने से पहले आपको पंद्रह हजार मिल जाएगा क्योंकि ऐसे हमारा टॉपिक आपका प्रपोजल सेलेक्ट हुआ है तो आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो दैट इज द एंड ओके ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि लाइक आपका प्रपोजल पूरी तरह से एंड हो जाएगा आप उसी प्रपोजल को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और थोड़ा डेप्थ में जा सकते हो और उसको इंप्रोवाइज करके उसको थोड़ा बेटर कर सकते हो कि लाइक इस, इस साल तो नहीं अगले साल आपका चूज हो जाए ठीक है रिमेंबर ओनली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स एमबीबीएस एंड डेंटल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर आर एस दिस ईयर ओके एंड नो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर पी जी एस आर जे आर कै नॉट अपलाई फॉर आईसीएमआर फॉर्म ओके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर अप्लाई करेगा सिक्सटी थाउजेंड आएगा ठीक है सो सेल्फ मैचर सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन जय हिंद जय भारत बाय बाय